एवरीवन, मैं हूँ सिली। वेलकम करती हूँ राही किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ कच्चे नारियल की ये मिठाई, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से ये बन करके तैयार होती है। और मज़े की बात तो ये है कि हर किसी को ये बहुत पसंद भी आते हैं, बड़े हो या छोटे, हर कोई बड़े शौक से खाते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में आप भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो फिर चलें बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले मैं ये भी बता दूं, अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कच्चे नारियल की मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो नारियल ले ली हूँ। ये कोकोनट मार्केट में इजली मिल जाते हैं। तो अब करना ये है कि ये नारियल के ब्राउन वाले हिस्से को चाकू या छिलने की मदद से इसे पूरा हटा लेंगे। ये नारियल के ब्राउन वाले हिस्से थोड़ा हार्ड होते हैं, तो इसे थोड़ा थोड़ा कर कर के ही हाथों को बचाते हुए हटाएं। वैसे नारियल की तो तरह तरह की मिठाइयाँ बनती है, लेकिन ये भी मिठाई बहुत ही कम वक्त में और बहुत अच्छी बनती है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैं सारे ब्राउन वाले हिस्से को छिल करके हटा दी हूँ और इसे अच्छी तरह वॉश कर ली हूँ। अब देखें ये बिल्कुल सफ़ेद हो गया है, इतने सारे छिलके निकले हैं, उसे हटा दें। अब करना ये है कि सारे नारियल को कद्दूकस कर लेंगे। मैं यहाँ पे पतले वाले ग्रेटर ली हूँ और उसी से मैं ग्रेट कर रही हूँ। ज़्यादा मोटा वाला ग्रेटर से ग्रेट नहीं करना है, बस इसे पतले वाले ग्रेटर से ही बारीक ग्रेट करना है। देखें इस तरीके का दरदरा सा ग्रेट हो चुका है। अगर आपको लेट लग रहा हो इसमें और जल्दी करना हो तो मैं दूसरा ऑप्शन बताती हूँ। करना ये है कि जितने नारियल के बड़े टुकड़े हैं, सारे नारियल के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में काट लेना है और काट करके इस तरीके से ग्राइंडर जार में डाल करके थोड़ा दरदरा ग्राइंड करना है। देखिए मैं एक बार ग्राइंड कर चुकी हूँ और ये दूसरी बार का है। इसे बिल्कुल बारीक ग्राइंड नहीं करना है, बस इतना ग्राइंड करना है कि ये थोड़ा दरदरा रहे। देखें इसका मैं दिखा रही हूँ, इस तरीके का होना चाहिए। अब इसे रखें दूसरी तरफ और आगे का प्रोसेस करते हैं। तो आगे के प्रोसेस के लिए मैं यहाँ पे छोटी सी पतीली ले ली हूँ और दो नारियल के लिए मैं यहाँ पे दो ग्लास दूध ली हूँ। और मिठास के अकॉर्डिंग जितना आप मीठा मिठाई को रखना चाहते हैं उस हिसाब से दूध में शक्कर डाल दें। और शक्कर डालने के बाद चूल्हे का फ्लेम ऑन करें और पतीली डाल करके दूध को थोड़ा थिक करें। और दूध जब थिक हो जाए तो उसे रख दें दूसरी तरफ और फिर से कढ़ाई लें और कढ़ाई को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने दें। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाए उसमें घी डाल दें। मैं इसमें 2 टेबल स्पून घी डाली हूँ। अब इसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। जैसे ही घी गर्म हो जाए उसमें ग्राइंड किए हुए नारियल उसे डाल देंगे और इसे पूरे नारियल डाल कर करके गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए घी में फ्राई कर लेंगे। देखें इस तरीके से मैं घी में पूरे नारियल को अच्छी तरह फ्राई कर रही हूँ। गैस का फ्लेम लो कर दें या लो टू मीडियम कर दें और इसे तब तक चलाते हुए फ्राई करेंगे जब तक कि इस नारियल का पानी पूरी तरह खुश्क ना हो जाए। अब मुझे इसे लो फ्लेम पे फ्राई करते हुए 3-4 मिनट हो चुके हैं, पूरी तरह इसके पानी जल चुके हैं। अब इसी स्टेप पे दूध जिसे थिक की थी वो ले लें और उसे डाल करके चलाते हुए मिक्स करें। देखिए मेरी कढ़ाई थोड़ी पतली है, इस वजह से नीचे हल्का कलर आ गया है। आप अगर इस तरीके का कोई भी रेसिपी बनाएं तो इस बात का ध्यान रखते हुए कि मोटे तले का कढ़ाई ले लें। अगर आपके पास कंडेंसर मिल्क है तो आप वो भी डाल सकते हैं और दूध और शक्कर वो वाला स्किप कर सकते हैं। और अगर कंडेंसर मिल्क ना हो तो इस तरीके से दूध में शक्कर डाल करके और हल्का थिक कर लें। और फ्लेवर के लिए मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर डाल दी हूँ। इस स्टेप पे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दें और लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे चलाते हुए फ्राई करें जब तक कि ये अच्छी तरीके से कढ़ाई छोड़ न दें। अब इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई करते हुए 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब देखें ये थोड़ा थिक हो गया है और अब कढ़ाई भी छोड़ने लगा है। इसी स्टेप पे अब चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे और कोई सा कंटेनर ले लेंगे, जो भी कोई लंच बॉक्स हो या डब्बा हो उस तरीके का ले लेंगे और कढ़ाई से निकाल करके इस कंटेनर में डाल करके सेट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से अभी ये थोड़ा हल्का गर्म है, इस वजह से मैं इसे इस तरीके से ये बराबर कर रही हूँ, क्योंकि ये जब सूख जाएंगे तो फिर बराबर नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से आप जितने हिसाब का मोटा
रखना चाहते हैं मिठाई, उस हिसाब के कंटेनर में डाल दें। जैसे मोटा डालना चाहते हैं तो थोड़ा लेयर ऊपर का मोटा डालें, और थोड़ा पतली रखना चाहते हैं तो इसका लेयर थोड़ा पतला कर दें। कोई बड़े से कंटेनर में डालें कि जो थोड़ा मोटापे में मिठाई पतली हो, और इस मिठाई को कंटेनर में थोड़ा नीम गर्म ही रखें ताकि ये अच्छी तरह सेट हो, और इस पे कुछ जो ड्राई फ्रूट अवेलेबल हो वो डाल दें। मैं यहाँ पे थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल दी हूँ कि जो देखने में भी खूबसूरत लगे और खाने में भी मज़ा आए, और इसे ठंडा होने देंगे। जैसे ही ठंडा हो जाए इसे कवर लगा करके 2-3 घंटे के लिए इसे फ्रीज में डाल देंगे। अब 2-3 घंटे हो चुके हैं, अब मैं फ्रीज से इसे निकाल ली हूँ। अब देखें ये पूरी तरह ठंडा हो गया है, सेट हो गया है। अब इसे चाकू से जितना बड़ा साइज रखना चाहते हैं उस हिसाब से इसे पीस में काट लेंगे। मैं इसका साइज दिखा रही हूँ, देखें मैं इस तरीके से मोटा और चौड़ा साइज रखी हूँ। आपको जिस तरीके का साइज पसंद हो उस तरीके से अपने मनपसंद से इसे काट लें और इस तरीके से सर्व करें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। अगर ये मिठाई घर पे बनाई जाए तो किसी को यकीन ही नहीं होगा कि इतनी अच्छी मिठाई घर पे कैसे बन सकती है भला। ये मिठाई बहुत ही कम वक्त में बनकर तैयार होती है। एक बार इस तरीके से आप भी ज़रूर ट्राई करके देखें, बड़े हो या छोटे हर किसी को बहुत पसंद आएगा। आप भी बनाएं, सबको खिलाएं। अपना ख्याल रखें। बाय बाय।